क्वींस, मैं हूं आप सभी की चहेती, दिलों के करीब रहने वाली दोस्त डॉक्टर शिवांगी। और आज का ये स्पेशल हिंदी सेशन किस लिए है भाई? मेरी सभी क्वींस ने, चाहे वो फोन कर रही हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिल रही हैं, चाहे मुझे मैसेज कर रही हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछ रही हैं, डॉक्टर शिवांगी आपका ये ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना क्यों जरूरी है? अरे भाई, मेरी बच्ची तो अभी बहुत यंग है, शी इज जस्ट 16, 16 साल की उम्र में वो प्रोडक्टिव पैजेंट्री के बारे में क्या सीखेगी? या फिर एक फॉलोवर ने मुझे कहा, अरे डॉक्टर शिवांगी अब तो मैं 60 साल की बूढ़ी हो चली हूं, इस बुढ़ापे में आप मेरे अंदर से कौन सी क्वीन बाहर निकालेंगी? इन सभी क्वेश्चंस को नजर में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप सभी को प्रोडक्टिव पैजेंट्री के बारे में कुछ बेहतरीन बातें बताऊं, आपको ये समझाऊं कि क्यों जरूरी है हर औरत के लिए, चाहे वो 16 साल की लड़की हो या 88 साल की महिला, क्यों जरूरी है उनके लिए प्रोडक्टिव पैजेंट्री को एक बार अपने जीवन में अनुभव करना, एक बार प्रोडक्टिव पैजेंट्री का ताज अपने सिर पर देखना क्यों जरूरी है। चलिए आप लोगों की ही एक कहानी उठाती हूं, शायद आप सब उस कहानी से खुद को रिलेट कर पाएंगे। एक छोटी सी बच्ची थी, उसके मन में बहुत सपने थे, बड़े होके ये बनना है, ये करना है, यहां घूमने जाना है, बहुत सारे सपने। माँ बाप ने कहा, बेटा सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, सच्चाई देखो। सच्चाई क्या है? पैसे कमाने चाहिए, पैसे कमाने के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, कुछ बनो, सपने बाद में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ाई करने में लग गए, पढ़ाई करके अलग अलग जगह हाथ पैर मार के नौकरी ली। अब भाई औरत हैं और हमारी संस्कृति कहती है कि औरत के लिए शादी बहुत ही जरूरी है, तो चलो जी शादी करी। शादी करके जब सोचा कि अब शायद मैं आत्मनिर्भर भी हूं, मेरी शादी भी हो चुकी है, अब शायद मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, चलो मैं अपने सपने की तरफ चल पड़ती हूं। लेकिन वहीं तभी पीछे से कभी पति ने हाथ खींचा, तो कभी सास चिल्लाई, या फिर कभी आपके खुद के माँ बाप ने ही, डरे हुए माँ बाप ने ही आपको पीछे से रोक लिया, नहीं नहीं अभी सपने पूरे करने का टाइम नहीं है, अभी तो तुम सांसारिक जीवन में घुसी हो, पहले अपने घर को संभालो, बाद में देखना सपने वो अपने। करते करते बच्चे होते गए, एक टाइम आ गया जब ये सोचा कि चलो मेरे सपने तो नहीं हुए, कम से कम मैं अपने बच्चों के थ्रू ही अपने सपने पूरे कर लूंगी, और लग गए जिंदगी की उसी मेहनत मुशक्कत में, उसी बोर्डम में, बोरियत भरी जिंदगी में चलते चले गए। कब जिंदगी खींचना शुरू हो गई, कब जिंदगी का बोझा लादना शुरू कर दिया, पता ही नहीं लगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब मैं अपने मनपसंद के फील्ड में अंदर घुसी, बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें करके मुझे रोकने की कोशिश की, क्वीन बनेगी, शक्ल देखी अपनी, क्वीन बनेगी। जब वो बातें याद आती हैं तो मन सा भर आता है, ऐसा लगता है कि क्यों एक औरत ही दूसरी औरत को रोकती है, क्योंकि मेरे लिए भी जिन लोगों ने मुझे रोका उनमें से 70% औरतें थी। हम यूं ही मर्दों का नाम खराब करते हैं, क्योंकि हम औरतें ही एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती, देख नहीं पाती, किसी न किसी कारण से बढ़ती हुई औरत को रोकने की, खींचने की, नीचे खदेड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन इन सभी बातों के चलते हुए, इन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए, जिंदगी में अपने सपनों की उड़ान कैसे भरनी है, ये प्रोडक्टिव पैजेंट्री सिखाता है। जब मैंने इन तकनीकों का सहारा लेके, इनकी हेल्प से अपने आप के चारों तरफ एक ऐसा फिल्टर बनाया जिनसे कि मेरे तक सिर्फ वो बातें पहुंचना शुरू हुई जिन्हें मैं चाहती हूं कि मेरे तक पहुंचे, उस फिल्टर के सहारे मेरे तक केवल वो लोग पहुंचे, उन्हीं लोगों का हाथ मुझ तक पहुंचा जिन लोगों को मैं अपने जीवन में चाहती थी। मेरे पास ऐसे कड़ी से कड़ी मिलती हुई एक ऐसी लाइन तैयार हो गई जिसको पकड़कर मैं अपने सपने तक आगे पहुंच पाई,
और ये कड़ी मुझे प्रोडक्टिव पेजेंट्री ने दी थी। क्या है प्रोडक्टिव पेजेंट्री? ये एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है, एक बहुत ही प्यारा अमेलगमेशन है पेजेंट्री का लाइफ प्रिंसिपल्स के साथ। थोड़ा और आसान करती हूं आप लोगों के लिए। पेजेंट्री क्या है? इस आधुनिक युग में एक औरत के लिए आगे बढ़कर अपने सपनों के क्षेत्र में जगह बनाना किसी महायुद्ध से कम नहीं है। एक औरत को ना कि सिर्फ दिखने में बहुत अच्छा होना चाहिए, बल्कि अंदर से भी उसकी क्वीनिज्म बाहर आनी चाहिए। जब इन दोनों चीजों का मेल मिलाप होता है, तब एक बहुत सुंदर क्रिएशन होता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्टिव पेजेंट्री। प्रोडक्टिव पेजेंट्री का 90% हिस्सा आप लोगों के अंदर से उस छुपी हुई क्वीन को बाहर निकालना है, जिसके सहारे आप जीवन की हर मुश्किल, हर उस चुनौती का सामना करने की तत्परता रखेंगी, क्षमता रखेंगी जिससे आप पहले कभी दूर भागती थी। और केवल 10% हिस्सा प्रोडक्टिव पेजेंट्री का आपकी बाहरी रूपरेखा यानी कि आपकी पर्सनालिटी एनहांसमेंट के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमारी बाहरी रूपरेखा हमें केवल एक इनिशियल कदम उठाने में हेल्प करती है, लेकिन बाकी की सारी जर्नी, बाकी का सारा सफर आपको अपनी अंदरूनी शक्ति के ऊपर लड़ना पड़ता है। और इसीलिए जब हम इन दोनों चीजों को आपस में मिला देते हैं, तब हम एक इतनी सशक्त महिला के रूप में बाहर आते हैं कि हमें चाहकर भी कोई रोक नहीं सकता। और मैं चाहती हूं कि जैसे मैं इस तरह से एक युद्ध भूमि को अपने हिसाब से ढालकर एक बहुत ही प्यारे से गार्डन में, एक बहुत ही प्यारे से सपनों की दुनिया में कन्वर्ट कर पाई, वैसे ही मैं चाहती हूं कि मैं अपने साथ जुड़ने वाली हर उस औरत के लिए इस जीवन को उतना ही सरल, उतना ही सुंदर बना दूं। और इसीलिए आपका ये 7 दिन का प्रोडक्टिव पेजेंट्री का ट्रेनिंग सेशन मस्ट है। चाहे आप अपने पर्सनल लाइफ से परेशान हैं, चाहे आप अपनी प्राइवेट लाइफ से परेशान हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ से परेशान हैं, चाहे आपको बोरियत होनी शुरू हो गई है, अपनी जिंदगी से बार बार थक जाती हैं वही काम दोबारा कर करके, आपको समझ नहीं आती कि आप बार बार बुलिज्म का शिकार क्यों हो रही हैं, बार बार लोग नकारात्मक तरीके से आपके पास क्यों आ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप 60 साल की हो चुकी हो, 70 साल की हो चुकी हो और आपको लगता है कि आपके पास अभी भी इतना समय नहीं है बाकी कि आप अपने सपने पूरे कर सकें, आप गलत सोच रही हैं, आप गलत ढंग से अपना जीवन जी रही हैं। मुझे मौका दीजिए आपके जीवन को ठीक करने का, एक सही ढंग से, एक सही डायरेक्शन में अपने लाइफस्टाइल को ले जाने का, जिसके बेसिस पे आप देखते ही देखते एक बहुत ही साधारण महिला से कब एक असाधारण, सशक्त, सुंदर, आत्मविश्वास से भरी हुई महिला बन जाएंगी आपको पता भी नहीं लगेगा। किसी की मजाल नहीं होगी कि आपको पकड़ के रोक पाए। और ये प्रोडक्टिव पेजेंट्री का सेशन इतना इंटरेस्टिंग, इतना लाभदायक होता है, मेरे लिए भी ये बहुत हर बार एक नए एक्सपीरियंस की तरह आता है, क्योंकि मैं इस सेशन के दौरान आप लोगों को आपके स्कूल की दुनिया में वापस ले जाती हूँ। पढ़ाई लिखाई करके, ज़्यादातर राइटिंग करके, ड्राइंग्स बना के, ग्रुप डिस्कशंस करके, मोनो एक्ट्स करके, ग्रुप एक्टिविटीज करके, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस बनाकर, सुंदर सुंदर तरीके से अपने आप को दर्शा कर, फाइनली अपनी पर्सनालिटी एनहांसमेंट के लिए मेकअप सेशंस लेके, कैटवॉक सेशंस लेके, क्योंकि हम सभी अपने आप को पहला इम्प्रेशन कैसा क्रिएट करना चाहते हैं वही नहीं जानते, तो उस चीज को कैसे उजागर करके सामने लाना है, बोलने का तरीका, हम एक दूसरे से कैसे बहुत सुंदर तरीके से, अंग्रेजी जरूरी नहीं है, जरूरी है बिल्कुल क्लियर तरीके से बोलना, स्पष्ट तरीके से अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने, ये काम कैसे करते हैं,
जो आपकी जिंदगी का बहुत ही ज्यादा जरूरी हिस्सा बन जाता है। ये सभी चीजें हम सीखते हैं इन 7 दिनों के ट्रेनिंग सेशन में, और 8वें दिन ये सभी सीखी हुई बातें आपको पैजेंट प्रिस्टीन के जरिए दर्शानी होती हैं। और ये एक ऐसा एकमात्र पैजेंट है जो सभी, जो जितनी भी लेडीज, जितनी भी महिलाएं इसमें भाग ले रही होती हैं, वो सब अंततः क्वींस बनती हैं, अपने सिर पर ताज पहनती हैं। क्योंकि आप सभी पूरे जोश के साथ जो आपने 7 दिन में सीखा होता है, वो आखिर के दिन उस पैजेंट के जरिए अपने आप को दिखाती हैं, अपने चारों तरफ के लोगों को दिखाती हैं, और खुद के अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास पाती हैं कि अब मेरे पास ये ताज है और अब मैं क्वीन बन चुकी हूं, असल मायने में क्वीन। और ये क्वीन ना अपनी पर्सनल लाइफ में हारेगी और ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सब, आप चाहती हैं, चाहे आप कितनी भी आपकी उम्र है, जो भी आप अपने अंदर किसी कमी को पाती हैं देखने में, अपने आप को दूसरों के साथ इंटरैक्ट करने में, खुद में जो भी कमियां पाती हैं, वो सभी कमियां आप इस सेशन के दौरान अपने आप से अलग कर पाएंगी और एक सही मायने में क्वीन बन के सामने आ पाएंगी। थैंक यू आपने मुझे सुना, एंड थैंक यू कि आपने मुझसे इतनी सारी क्वेरीज करी प्रोडक्टिव पैजेंट्री के बारे में, क्वीन इन द मेकिंग के बारे में, जिसकी वजह से मैं आपके सामने ये वीडियो ला पाई। आई लव यू ऑल, मुझे आप सभी से बेहद प्यार है, और मुझे अंदर से ये जज्बा आता है बार बार कि मैं आप सभी को उसी जज्बे से, उसी सहनशीलता से, उसी साहस के साथ भर दूं जिससे मैं इस टाइम खुद को भर रही हूं। मैं चाहती हूं आप सभी इतनी बड़ी उड़ान लें, इतना ऊंचा उड़े लाइफ में कि आप इन छोटी छोटी बातों से अफेक्ट होना बंद हो जाएं और आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएं जहां पे आपके सपने चाहकर भी कोई रोक ना पाए। यू विल अचीव योर ड्रीम्स, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू अचीव योर ड्रीम्स। आई लव यू ऑल।